दुनिया का हर वो आर्टिस्ट जो आज अलग मुकाम पर है, उनके यहाँ तक पहुँच पाने के लिए उनकी जी तोड़ मेहनत छिपी होती है। हर वो शख्स अपने करियर में किसी ना किसी बड़े इम्तिहान से गुजरा है। कुछ ऐसे ही सफर रहा है 70 के दशक के जाने माने एक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर संजय खान का। एक बार धर्मेंद्र ने उन्हें भरी महफिल में थप्पड़ जड़ दिया था। नमस्कार, मैं हूँ स्नेहा राव और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। हिंदी सिनेमा के जाने माने एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर संजय खान, फिल्मों के अलावा जिन्होंने टीवी इंडस्ट्री में भी खूब काम किया है और अहम भूमिकाओं के जरिए अपनी धाक जमाई। जबरदस्त पर्सनालिटी और बेहद हैंडसम होने के बाद भी करियर की शुरुआत में उनकी फिल्में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। संजय खान बॉलीवुड के दिग्गज कलाकारों में से एक है। आज भी जब इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेताओं की बात होती है तो उनका नाम जरूर लिया जाता है। एक्टिंग के अलावा डायरेक्शन और प्रोडक्शन में भी उन्होंने हाथ आजमाया। उन्होंने टीवी पर भी टीपू सुल्तान का किरदार निभाकर खूब वाहवाही लुटी थी। एक्टर ने साल 1964 फिल्म हकीकत से इंडस्ट्री में कदम रखा था। इस फिल्म में छोटे से रोल के बाद ही उन्हें पहचान मिली और आगे उन्हें फिल्म दोस्ती में काम करने का मौका मिला था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। संजय खान जब 12 साल के थे तो उन्होंने राज कपूर की फिल्म आवारा देखकर ही मन में ठान लिया था कि वो एक्टिंग में ही करियर बनाएंगे। इस फिल्म को देखने के बाद ही उन्होंने एक्टिंग की राह पकड़ी थी, लेकिन भाई फिरोज खान के कहने पर उन्होंने पहले अपनी पढ़ाई पूरी की। जब वो मुंबई आए तो उन्होंने हॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर जॉन गैलियारमैन के साथ असिस्टेंट के तौर पर काम किया। 70 के दशक संजय खान ने अपने करियर में कई ऐसी फिल्में दी जिनकी उन्हें अलग अलग पहचान मिली। करियर की शुरुआती में तो उनकी फिल्में हिट नहीं रही, लेकिन एक समय के बाद उनकी फिल्म लोगों का दिल जीतने में कामयाब रही। अपने करियर में उन्होंने मेला, उपासना, धुन और नागिन, 10 लाख, दिल लगी बेटी, अभिलाषा, एक फूल दो माली, इंतकाम, उपासना, हसीनों का देवता, मेला, चोरी चोरी और काला धंधा गोरे लोग जैसे फिल्मों में अहम भूमिका निभाई। इसके साथ ही उन्होंने बतौर डायरेक्टर 1977 में फिल्म सोना चांदी भी की, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों का दिल नहीं जीत पाई थी। धर्मेंद्र की एक पार्टी में संजय खान भी आए थे। धर्मेंद्र पाजी ने संजय को ज्यादा शराब पिला दी थी। इसके बाद वो संजय बैठने लगे और कई स्टार्स के बारे में अजीब बातें करने लग गए। इसी बीच उन्होंने दिग्गज एक्टर ओम प्रकाश के बारे में कुछ गलत बोल दिया था। धर्मेंद्र ने कुछ नहीं देखा, सीधा संजय को भरी महफिल में जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था। हालांकि इसके लिए उन्होंने उनके भाई फिरोज खान से भी बात की थी। बता दें उस दौर में संजय खान का नाम जानी माने एक्टर जीतन बता दें उस दौर में संजय खान का नाम जानी माने एक्टर जीनत अमान के साथ भी जुड़ा था। दोनों की मुलाकात फिल्म अब्दुल्ला के सेट पर हुई थी। दोनों के अफेयर की खूब चर्चे हुए थे। कहा तो ये भी जाता है कि 1978 में जैसलमेर में दोनों ने शादी कर ली थी, लेकिन इस बात की दोनों ने ही कभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की। एक साल के अंदर ही दोनों के अलग होने की खबरें सामने आने लगी। जीनत अमान ने संजय पर मारपीट के आरोप भी लगाए थे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव। गुड बाय।